हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरण। पाकिस्तान एक फ्लॉप देश घोषित हो चुका है। वह भीख मांगकर हथियार खरीदता है, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, फिर भी अपनी गीदड़ भभकी से भारत को डराने की कोशिश करता रहता है। अब चीन ने उसको एक नया खिलौना पकड़ा दिया है, जिससे वह अब भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास नहीं है, उसके होने की बात कर रहा है। पाकिस्तान अब इतना निर्लज्ज हो गया है कि वह अब सरेआम झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान की वायुसेना ने दावा किया है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए हम लगातार सेना को आधुनिक कर रहे हैं। हाइपरसोनिक हथियार इसी प्रणाली का एक हिस्सा है। इससे पाकिस्तान की वायुसेना और ज्यादा शक्तिशाली होगी और क्षेत्र में शांति संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। पर पाकिस्तान ये नहीं बता रहा है कि उसने यह हथियार किससे भीख में मांगा है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी नई तकनीक के शामिल होने से उसकी युद्धक क्षमता काफी बढ़ गई है। हालांकि यह दावा इसलिए दिलचस्प लगता है क्योंकि पाकिस्तान इस समय अपने बढ़ते कर्ज से जूझ रहा है। भारतीय वायुसेना के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि मिसाइल के हाइपरसोनिक होने का दावा भ्रामक हो सकता है, क्योंकि लगभग सभी बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी उड़ान के दौरान किसी न किसी बिंदु पर हाइपरसोनिक गति प्राप्त कर लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों में हाई स्पीड पावर एयर ब्रीथिंग इंजन काम करता है। इसकी हाइपरसोनिक गति से हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता किसी भी सेना की ताकत को बढ़ा देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वह वर्तमान में उपयोग में आने वाली किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में नहीं आ सकती है। आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में मात्र दो देशों के पास हैं, रूस और चीन। ये टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका के पास भी नहीं है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम ने कई बार रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिरा दिया है। तो वहीं चीन और रूस का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराना असंभव है। दुनिया में कोई ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिरा सके, लेकिन अमेरिकी रक्षा एजेंसी का मानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें मारकर गिराई जा सकती है। ये एक ऐसी हथियार तकनीक है जिसको अमेरिकी सेना अभी भी अपने जखीरे में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन पाकिस्तान वायुसेना का दावा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल उसके पास है और पाक वायुसेना मैक 5 की स्पीड के हाइपरसोनिक मिसाइल होने की बात कर रहा है। भारत के साथ रुक रुक कर सैन्य झड़पों में उलझा चीन पाकिस्तान को उच्च तकनीक वाले हथियार प्रदान करता रहता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सैन्य विशेषज्ञ टिमोथी राइट का कहना है कि पाकिस्तान के पास YJ-12 हाइपरसोनिक मिसाइल होने की संभावना है, जिसे पाकिस्तान ने 5 साल पहले अपने J-17 थंडर जेट के लिए हासिल किया था। आपको बता दूं कि YJ-12 एक चाइनीज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 5 की है। और आपको क्या लगता है, पाकिस्तान जो दावा कर रहा है ये सही है या गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।